ये देखिए ये निकलता ही जा रहा है, 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 निकलता ही जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आपने कई बार ये जो आइटम है ये आपने अपने सामने देखा होगा, कई बार ये आपकी आंखों के सामने आया होगा। ये है पंखे और कूलर में जो लगता है उसको जो कैपेसिटर होता है वो ये है। इससे क्या होता है कि इसका काम होता है कि पंखे की और कूलर की ये स्पीड बढ़ा देता है, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, और एनर्जी को स्टोर करने के बाद ये एनर्जी को एक साथ जब हाई पावर में छोड़ता है तो उसके बाद पंखे की स्पीड बढ़ जाती है। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, ऐसा इसके अंदर क्या है कि ये पंखे की स्पीड बढ़ा देता है, उसके रोटेशन बढ़ा देता है। तो आज हम इसे तोड़ के देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या निकलेगा। तो ये है हमारे पास हथौड़ी, और इससे देखते हैं हम इसे तोड़ के कि इसके अंदर क्या निकलता है। तो तोड़ने की कोशिश करते हैं इसे, और ये तो बड़ी आराम से खुल गया। ये खुल तो गया फ्रेंड्स, लेकिन ये अंदर इसके अंदर काफ़ी सारी ग्लू है, और ये ग्लू से चिपका हुआ है, तो शायद तोड़ना ही पड़ेगा। ग्लास से खोल के देखते हैं, शायद प्यार से खुल जाए। टूट चुका है, और इसके अंदर भी ये कुछ इस तरह के ग्लू में ये लिपटा हुआ है अंदर इसके, पता नहीं क्या है, देखते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद ये हमने खोल लिया है। ये देखिए ये इसके तार हैं, और ये कुछ इस तरह से इस पे ये पन्नी लिपटी हुई है, और ये काफ़ी सारी पन्नी इस पे लिपटी हुई है, और पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, भी देखते हैं, इसे पूरा खोलते हैं हम। काफ़ी सारी पन्नी उतरने के बाद इसमें ये देखिए ये इस तरह से एल्यूमिनियम, शायद ये एल्यूमिनियम का इसमें पेस्ट है, एल्यूमिनियम लगा हुआ है इसके ऊपर, पन्नी के ऊपर, और ये काफ़ी सारा इसमें एल्यूमिनियम भरा हुआ है। ये ही एनर्जी को स्टोर करता है। मोबाइल की बैटरी में काफ़ी सारा इसी तरह की पन्नी पे लिपटा हुआ काफ़ी सारा लिथियम भरा हुआ होता है, इसी तरह की पन्नी होती है उसमें भी। और देखिए इसमें ये बहुत सारी पन्नी है, और ये निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, काफ़ी सारी पन्नी है। कितनी पन्नी है इसमें पता नहीं, लेकिन है बहुत सारी। ये देखिए इसमें इसी तरह की बहुत सारी पन्नी निकलती जा रही है, यही काम करती है एनर्जी को स्टोर करने का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जरा से छोटे से कैपेसिटर में कितना सारा, ये देखिए ये आप लेयर देखिए, कितना सारा एल्युमिनियम पेपर निकला है, देखिए लेयर देखिए आप। अभी ये काफ़ी सारा है, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये इतना है। बहुत दूर तक इसको अगर सीधा सीधा निकाला जाए तो बहुत दूर तक इसकी ये लेयर जा सकती है। और यही देखिए, यही हमारे पंखे की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है, यही वो काम करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये निकलता ही जा रहा है, 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 निकलता ही जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें ये इस तरह का एल्यूमिनियम
फॉइल है इस तरह से, ये देखिए कितना इसमें निकल रहा है ये, और अभी तो ये आधा भी नहीं है, अभी आधा निकलना बाकी है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारी बस इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो ये था इस पूरे कैपेसिटर के अंदर जो हमारे पंखे की स्पीड को बढ़ाता है। अगर हम इसके बिना पंखे को डायरेक्ट अगर लाइट में लगा देते हैं तो हमारा पंखा बहुत कम स्पीड से चलता है, लेकिन इसको लगाने के बाद अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों हमारा पंखा इतनी अच्छी स्पीड देने लगता है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल है उसमें एनर्जी को स्टोर करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।